आज विश्वकर्मा पूजा है, रसोई का जी सारा सामान जो है लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं मार्केट। ओ इष्ट देवता की कृपा से जो है रोड पर हम लोग चलते हैं। और ये पूजा हो गया है, पेट पूजा नहीं हुआ है, चूहा कूद रहा है पेट में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं जी अपने ससुराल। जी हाँ, अपने ससुराल आए हुए हैं और ठीक हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जिया भी आई हुई है अपने मायके, तो यहाँ पर जो है आज विश्वकर्मा पूजा है, तुलसी की पूजा है। तुलसी के उपलक्ष्य में जो है सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो एक एक करके जो है सारी गाड़ी को जो है लगाया जा रहा है, क्योंकि आज मेन जो है विश्वकर्मा भगवान की ही पूजा है। तो विश्वकर्मा के ही कृपा से जो है जहाँ भी है जो भी है अभी चल रहा है। प्रियांश वहाँ से यहाँ आने के बाद जो है तबाही जो मचा रहा है पूछिए मत, इसको जाना है खाली गेट की तरफ। अलग अलग रास्ता पता है, इधर से नहीं जाने दे रहे हैं, उधर कोने से निकल के तब बाहर चले। तो कम से कम इतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले आके खाली रोता था, अब खाली भागता है यहाँ से। वहाँ A few moments later. प्रयास ना रह रहे कि बाहर भागने की कोशिश करता है, और यहाँ पे ना एकदम मेन रोड है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये नो ये बाहर में देख लिया, पापा है तो इस... क्या पापा है? Later. यहाँ पर खाने सबकी चल रही है तैयारी, तो हमारे रसोई भाई साहब सब जो आ चुके हैं, सारा रसोई का सामान आ गया है, यहाँ बनेगा। और पीछे क्रियांश जाना चाह रहा है तो पीछे का आपको जो है एरिया दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीछे क्रिया, लेकिन अभी इसको नहीं लेके जाया जाएगा क्योंकि उधर गड्ढा है। तो जिया के मायके में जी आज हो रही है विश्वकर्मा भगवान की पूजा, तो उसको लेकर के चल रही है सारी तैयारी। तो अच्छे खासे लोग यहाँ पर आने वाले हैं आज इस पूजा में, तो उनको ये भोजन को लेकर के जो है पूरा प्रबंध किया जा रहा है। और कोई भी रसोई का काम जो है तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक उसको पूजा नहीं जाता है। तो जिया यहाँ रसोई पूज रही है। इसको सब मिल जाता है। नानी का है वो नहीं लगाना है क्या? ये नानी का, दादी नानी का है, दादी नानी का। हाँ क्रियांश बेटा, ये देखो पूजा हो रहा है। जय कर लो। ये पूजा करेगा, बोलो अच्छे से हो जाए। One hour later. रसोई का जी सारा सामान जो है लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं मार्केट। आधा सामान तो ले लिया है, कुछ सामान सब बचा हुआ है, तो उसके बाद जो है अभी फिलहाल यहाँ से ले रहे हैं पनीर, तो जल्दी से पनीर ले लेते हैं। 2 hours later. अमन वह सुर चक्षुषो विश्व नौ देवाव साग मन्ने समुद्र विश्व देवा देते हैं पंच जना देते विश्वकर्म ने नमः ओ कुल देवता भ्यो नमः ओ इष्ट देवता भ्यो नमः। A few moments later. और कहीं को गाड़ी है, थक गए क्या बनते बनते?
ये डर गया, चढ़ा ना ट्रक जो गुजरा, डर गया ये, अब चढ़ने नहीं चाहता। राखी बांध रहे हैं सब गाड़ी को। थके ना नहीं इतना गाड़ी में बांध के। विश्वकर्मा पूजा है जी, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कर्मा जी द्वारा जो दिया गया है गाड़ी, तो उनकी कर रहे हैं पूजा, उन्हीं की कृपा से जो है रोड पर हम लोग चलते हैं और सुरक्षित घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग राखी बांधते हैं अपने भाई को, ये पैसा बांधा जाता है, तो वैसे कहते हैं कि ये भी राखी एक तरह से, जैसे हमारे भाई को रक्षा करते हैं राखी, वैसे इस गाड़ी की रक्षा करेंगे, इस गाड़ी को रक्षा करेंगे और इस गाड़ी पे चढ़ने वाले लोगों की रक्षा करेंगे हमारे विश्वकर्मा भगवान, यही मानते हैं। तो एक बार बोल दिया जाए, जय हो विश्वकर्मा भगवान की जय हो जय। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है, सबकी कर दिया था, बस इसका चाबी नहीं मिल रहा था। मिल गया चाबी, हो गया काम, चलो बढ़िया। 20 मिनट्स लेटर। Three hours later. ये पूजा हो गया है, पेट पूजा नहीं हुआ है, चूहा कूद रहा है पेट में। तो खाना भी बनने में थोड़ा सा विलम्ब है, इसलिए सबको लग गई है भूख। भैया वैसे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बन जाए, बातें प्रसाद भी उनको बनाना था, प्रसाद के भी घर में पूजा था, ये भी अपना पूजा करके आए हैं सारा विश्वकर्मा पूजा, इसलिए लेट हो गया इनको आने में, इसलिए लेट लग रहा है बनने में, हम लोग को भूख लग गया है। वही बोल रहे पूजा हो गया, पेट पूजा कब होगा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जीजा जी का भी पेट में चूहा कूद रहा है, बोल रहे हैं हम दो दिन प्रसाद खा ले। बाकी यहाँ देख सकते हैं हमारी बहन सब, सुबड़ा ये इसको हम इतनी सकते, इतना भी कन्वर्ट होगा आपके इतना हाई, लेकिन है ये बहुत छोटी, बस हाइट बढ़ गया है ना बड़े थे, ये बहुत छोटी थी, ये मेरा बेबी लिप्स इतने ठोके थे, ये इतना ठोके हो गए, इतना उड़ोए थे की दिला, तब ये ला करके दिया था नया हमको। अरे अभी कभी नहीं, मतलब की होता है ना, तो बस मम्मी बोलती है बहुत लिपस्टिक चुराते थे, मेरे बारे में परेशान करके रखते थे। One eternity later.